आज पढ़ेंगे हम पद के बारे में। उदो तुम हो अति बड़भागी। इसमें जो श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो वो अपने मंत्री उद्धव को भेजते हैं, किसके पास? गोपियों के पास, जो योग का संदेश लेके जाते हैं। उस बारे में है कविता सूरदास जी द्वारा रचित। उधो तुम हो अति बड़ भागी अवरस। अवरस होता है एक तरह से जो अछूता होता, रहत सने तगा नाहिन मन अनुरागी। अनुराग जो सबल होता है। पुर्णिपात, पुर्णिपात होता है कमल का पत्ता जल के भीतर, पानी के अंदर जो रहता है। रस तैन तागी ज्यो जल महा तेल की गगरी। तेल में सनी हुई जो गगरी होती है यानी कि मटकी होती है। बूंद ने तागो लागी प्रीति नदी, प्रीति नदी प्रेम की नदी। पाव ने बारियो दृष्टि ने रहु रूप परागी। सूरदास ला अब भोरी गुरु चाटी ने जोगी। जो गोपियां हैं वो उनको व्यंग्य कर रही हैं, किस पर? उद्धव जी पर। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव से कह रही हैं कि तुम बहुत बड़भागी माने होता भाग्यवान हो। अवरस रहते तनातक ना ही मनोरागी। तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी प्रेम का जो बंधन है वो तुम्हें उनके प्रति बांध नहीं पाया। तुम्हारा मन उनके प्रेम से अलग रहता है। पुर्णिपात, जिस प्रकार पुर्णिपात रहते जल भीतर की कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है परंतु उस पर पानी का एक दाग भी नहीं पड़ता। जो जल माही तेल की गगरी, उसी प्रकार जो तेल से सनी हुई जो मटकी होती है वो पानी के अंदर रहती है परंतु उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ती। प्रीति नदी पावने पर, उसी प्रकार तुम्हारा जो प्रेम के प्रति जो पैर है वो प्रेम की नदी में डूबे नहीं है। तुम्हारी दृष्टि जो है, तुम्हारी जो दृष्टि है वो प्रेम से अछूत है, अलग है, उनके प्रेम में तुम डूबे हुए नहीं हो। सूरदास अबला हम, सूरदास जी कहते हैं कि जो वो गोपियां हैं वो कह रही है कि हम ऐसी अबला गोपी हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ से चीटी चिपकी हुई रहती है उसी प्रकार हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रति चिपका हुआ रहता है। मन की मन में माज रही कही जवपा उधो नहीं परत काही। अवधि आसावन की तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेश सुनु सुनो ही ब्रही ब्रह दही। चाहती हुदी गुहारी जतई उतते धार वही। सूरदास अब धरी को मर्यादा, मर्यादा होती है एक मर्यादा। सुनी सुनी संदेश को सुनना, जोग माने योग का जो संदेश श्री कृष्ण ने भेजा है। और मन की मान, मन की मन में माज बात जो है उसको कहा है। तो वो श्री कृष्ण के गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण के लिए कि हमारी जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई है कि हम कहिए जाए। हम ये सोच रहे थे कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम अपने मन की बात उनको बताएंगे। अवधि आद आसावन किया, हम अब तक भी उनके आने की वो देख रहे थे, राह देख रहे थे कि जो तन मन जो हम अपन उनके प्रति अपना तन और मन वो जो हमारा जो मन वो अपने साथ ले गए हैं, हम अपने मन की बात उन्हें बताएंगे। अब इन जो फिर अब उन्होंने हमारे लिए क्या भेज दिया है, योग का संदेश भेज दिया है। सुनी सुनी उस योग के संदेश को सुनकर हमारा जो मन है जलने लगा है। तो दही को यहाँ पर क्या कहा है, जलना कहा है। चाहती उदी गुहारी जतई ते उद्धार वही, हम ये चाहते हैं हम उनसे गुहार लगाने वाला होता है कि रक्षा करना, कि हम उनसे ये चाह रहे हैं गुहार लगा रहे हैं कि उतते धार वही कि जो हमारा मन वो ले गए हैं उसको वो हमारे वापस लौटा दे। सूरदास अब धीर दही के मराजा, उनके प्रेम के प्रति हमने जो अपनी समाज की जो मर्यादा थी उसको हमने त्याग दिया था, पूरी तरह से त्याग दिया था। अब अपनी हमने सारी अपनी मर्यादाओं को उनके प्रेम के लिए पार कर दिया है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हरी हारिल होता है पक्षी जो एक लकड़ी को अपने मुंह में दबा कर रखता है, उसी प्रकार वो अपने मन को बता रही है कि हमारा मन जो है उस पक्षी के समान है जो श्री कृष्ण के तरफ रटता रहता है, उनके नाम को रटता रहता है। मन कर्म बचन नंद नंद नंदन, नंदन नंदन है यहाँ पर नंद के पुत्र कौन है, श्री कृष्ण। और यह ढरी गरी करी पुकारी, हमारा जो मन है, मन और कर्म जो है हमारा वो श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण हमारा मन जो है श्री कृष्ण के नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के लिए रटता रहता है। जोगत सोगत सम दिवस निशी, जागते समय सोते समय दिन और रात काना काना जकरी रही, हमारा जो मन है श्री कृष्ण कृष्ण डटता रहता है। सुनत जोग जोग लागत है ऐसो जैव करवी, करवी होती है कड़वी, ककरी माने कड़वी। जब से हमने उद्धव के द्वारा योग की बात सुनी है वो हमें कैसी लग रही है, कड़वी लकड़ी के समान लग रही है कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूदो सो व्याधि, व्याधि होता है रोग, व्याधि माने रोग, हमको ले आए व्याधि, आए देखे सुनी करी जो हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे एक रोग को ले आए हैं। देखी सुनी, जब से हमने इसको सुना है तो वो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारे लिए एक रोग ले आए हैं। ये तो सुर तनहि सो सोपे जन मन, ये योग का संदेश तो उन लोगों के लिए है
जो जिनका मन चक्री होता है, जो हमेशा श्री कृष्ण के मन को जपते रहते हैं। ओके, आज इतना ही।